अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं मिस समन, आज के हम जनरल साइंस के लेक्चर में चैप्टर नंबर 5 केमिकल रिएक्शन के लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ेंगे। सो द लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 इज राइट द रूल्स फॉर बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, यानी जो कीमियाई मसावात है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस रखने के लिए, मतवाजन करने के वर्किंग रूल्स क्या हैं, यानी इसके इसको चलाने के लिए इसके रूल्स क्या हैं, इसके वर्किंग जो वैल्यूज हैं, इसके वर्किंग रूल्स हैं वो हमने बताने हैं। राइट द अनबैलेंस इक्वेशन एंड काउंट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द एरो। नंबर 2, वर्क विद वन एलिमेंट एट अ टाइम। नंबर 3, मल्टीप्लाई द सिंबल ऑफ फॉर्मूला विद सूटेबल इंटीजर्स 2, 3, 4, 5 एटसेट्रा ऑन दैट साइड ऑफ द इक्वेशन वेयर द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट इज लेस, एंड ट्राई टू बैलेंस दिस एलिमेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। रिपीट द प्रोसेस फॉर ऑल एलिमेंट्स वन बाय वन। बैलेंस एंड डायटोमिक डायटोमिक मॉलिक्यूल्स लाइक H2N2O2Cl2 एटसेट्रा एट द एंड। द फर्स्ट वन रूल इज राइट द अनबैलेंस इक्वेशन एंड काउंट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द एरो। यानी सबसे पहले हम बताते चलें कि किसी कीमियाई मसावात को, यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए वर्किंग रूल्स जो होते हैं वो हमें दरकार होते हैं, यानी इसके लिए रूल्स जो हैं वो हमें बनाने पड़ते हैं। जैसा कि हमारा पहला रूल है, राइट द अनबैलेंस इक्वेशन एंड काउंट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द एरो। यानी जो गैर मुतवाजन है, अनबैलेंस जो इक्वेशन है, लिखें और तीर के दोनों तरफ, यानी एरो के दोनों तरफ हर एलिमेंट के एटमों की तादाद की नियत। यानी फर्स्ट पॉइंट पे हमें बताया जा रहा है कि जो अनबैलेंस रिएक्शन है, अनबैलेंस इक्वेशन है, उसको तीर के दोनों तरफ, एरो के दोनों तरफ हर एलिमेंट के एटमों की तादाद यानी के गिनी जाती है। नंबर 2, वर्क विद वन एलिमेंट एट अ टाइम, यानी एक वक्त में सिर्फ एक ही एलिमेंट पर काम करें। नंबर 3 इज मल्टीप्लाई द सिंबल और फार्मूला विद सूटेबल इंटीजर्स 2, 3, 4, 5 एटसेट्रा ऑन दैट साइड ऑफ द इक्वेशन वेयर द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट इज लेस, एंड ट्राई टू बैलेंस दिस एलिमेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। यानी जो हमारे पास इक्वेशन के उस तरफ जहाँ किसी एलिमेंट के एटमों की तादाद कम हो, इसे मुनासिब जो हैं, इसे जो सूटेबल इंटीजर्स हैं, मुनासिब जो अदद हैं 2, 3, 4, 5 वगैरह से ज़र्ब दे दें, यानी मल्टीप्लाई कर दें, और जो इक्वेशन है, इक्वेशन के दोनों तरफ उस एलिमेंट को बैलेंस करने की कोशिश करें, ताकि जो हमारे पास जब हम इसको बैलेंस करें तो निस्बतन छोटे जो इंटीजर से हम ज़रब करना शुरू करेंगे, यानी कि जब हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तब हम इसके छोटे से जो छोटा से छोटा इंटीजर होगा सूटेबल इंटीजर उससे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट है, रिपीट द प्रोसेस फॉर ऑल एलिमेंट्स वन बाय वन, यानी एक एक करके तमाम एलिमेंट्स के साथ इस अमल को जो है वो रिपीट करें, इसको दिखाएँ। बैलेंस आर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स लाइक H2N2O2Cl2 एटसेट्रा एट द एंड। यानी डायटोमिक मॉलिक्यूल्स जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन वगैरह को सबसे आखिर में बैलेंस करें। दोस्तों, स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1। आपने इस लेक्चर को अच्छे से रिव्यू करना है और इसका क्विज भी आपको लाजमी हल करना होगा। अगर स्टूडेंट्स आपको आज के लेक्चर में कुछ चीज़ समझ ना आई हो या कोई ऐसा सवाल जो आप पूछना चाहते हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह कल हम इसके लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। नाउ अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।